एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो हम अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पर लेकर आए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने चेन बना ली है और चेन बनाने के बाद अब हम देखिए क्या करते हैं। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच चेन लेने के बाद देखिए अब छठी वाली चेन में डालेंगे। इसके अंदर हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो ट्रिपल क्रोशिया किसे कहते हैं, जो दो दो करके फंदे निकाले जाते हैं उसको ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। देखिए, तीन बार में फंदे निकाले, वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो अभी हमें चेन को काउंट किया तो हमारे पास तीन ट्रिपल क्रोशिया हो गई। हमें एक और बनानी है इसके अंदर, वापस इसी जगह डाल के फिर से हम बनाएंगे। तो टोटल हमें चार ट्रिपल क्रोशिया एक ही चेन के अंदर बनानी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छठी वाली चेन में डालेंगे। तरीके से छठी वाली चेन में डालेंगे, वापस इसके अंदर हम चार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, घंटी ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप लोगों ने मेरे टॉप वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने बहुत खूबसूरत से एक गर्ल्स टॉप बनाया, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेकआउट करें। काफ़ी सारे लोगों को वो वीडियो पसंद आ रहा है, हो सकता है वो आपको भी पसंद आए, ज़रूर चेकआउट करें। देखिए, इसके अंदर हम चार बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या करना है। चार ट्रिपल क्रोशिया हो गया, अब हम क्या करेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार चेन लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर तीन चेन का गैप देंगे हम। देखिए, दो हमने डिज़ाइन बना ली, उसके बाद हमने चार चेन ली हैं। अब देखिए, हम दो चेन का गैप देखिए तीसरी वाली चेन में इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दिया, अब हम फिर से चार चेन लेंगे। अगर आपके पास ऊन पतली है या फिर आपका खिंचा हुआ लगे तो आप पांच चेन भी ले सकते हैं। अब देखिए, फिर से हम दो चेन का गैप देके तीसरी वाली चेन में फिर से हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके अंदर हमें टोटल चार बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अगर आप लोग इसका टॉप बनाना चाहते हैं या फिर स्वेटर बनाना चाहते हैं तो देखिए 105 फंदे डालें अगर आपके एम और एल साइज आता है, ठीक है, तो आप ऊपर एक तख्ता बनाते हुए जाए। इस पर वीडियो और भी बना चुके हैं, बहुत सारे टॉप और स्वेटर बना चुके हैं, तो आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर लें। तरीका वही रखें, डिज़ाइन ये वाला डाल सकते हैं, नहीं देखा है तो चैनल पे जाके सारे डिज़ाइन देख सकते हैं। और सब्सक्राइब हमने जो ऑल बनाया है आप उसमें टच करके चैनल पे जा सकते हैं। देखिए, एक डिज़ाइन हमने बना ली, अब फिर से हम पाँच चेन का गैप देके छठी चेन में फिर से डालेंगे और चार बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो तीन बार में जो फंदे निकाले जाते हैं दो दो करके उसको ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं, चार बार हम बनाएंगे इसके अंदर। इतना हमारा बन गया, फिर से चार चेन लेंगे और चार चेन लेने के बाद देखिए दो चेन का गैप देके तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। फिर से हम चार चेन लेंगे, चार चेन लेने के बाद वापस से हम ये देखिए तीन चेन तीसरी वाली चेन में डाल के इसको एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है, सेकंड रो में क्या करना है चलिए बताते हैं आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच चेन बनाने के बाद देखिए इस जगह डालेंगे और चार बार हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये चेन को काउंट किया तो हमारे पास दो ट्रिपल क्रोशिया हो गया, वापस इसी जगह डालेंगे फिर से बनाएंगे। टोटल हमने चार बार ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए दो बार फंदे लिए, अब इस वाली डिजाइन में फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे, इसके अंदर हम चार बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से दो ट्रिपल क्रोशिया हो गए, फिर से इसके अंदर डालेंगे तीन ट्रिपल क्रोशिया और ये लास्ट बार डालेंगे चार। चार हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, अब फिर से हम फंदे लेंगे, चेन लेंगे, फिर से हमने चार चेन ले ली, अब इसमें बीच में डाल के एक सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और फिर से हम चार चेन लेंगे। देखिए, फिर से हम चार चेन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, तो आप इसकी जगह पांच चेन भी ले सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए अब हमने चेन बना लिया, अब इस वाले डिज़ाइन में डालकर यहाँ पर चार बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए चार बार बन चुके हैं, इस तरीके से डिज़ाइन बनकर देखेगी। अब क्या करेंगे, फिर से हम डिज़ाइन बनाएंगे तो इस वाले में देखिए डालेंगे, इधर वाली डिज़ाइन में डालेंगे, इसके अंदर भी हम चार बार ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। देखिए वापस के अंदर हमने चार बार ट्रिपल क्रोशे बना लिया। अब फिर से हम चार चेन लेंगे, आप इसकी जगह पांच चेन भी ले सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर डाल के एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, देखिए इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। अब फिर से चार चेन लेंगे हम और लास्ट वाले में डाल के इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर डाल के। ठीक है, हमें ज्वाइन करते समय ट्रिपल क्रोशे बनाना है, ठीक है, लास्ट में। अब हम फिर से देखिए दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन बना ली। अब इस चेन को हमें डबल करना है, तो देखिए इसमें डाल के एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इसमें डाल के सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर से हम चेन बनाएंगे, यहाँ पर चार चेन बना के इस वाले डिज़ाइन में डाल के यहाँ पर एक डिज़ाइन बनानी है, हमें चार बार ट्रिपल क्रोशे बनाना है। देखिए दो बार हो गया है टोटल, हमें इसके अंदर चार बार ट्रिपल क्रोशे बनाना है। इस तरीके से बनाना है। अब देखिए चार बार हमें इस वाली डिज़ाइन में बनाना है ट्रिपल क्रोशे इस साइड में। ठीक है, अभी दिखाते हैं हम आपको, इस वाली डिज़ाइन में बनाना है चार बार ट्रिपल क्रोशे बनाना है। देखिए चार बार बना लिया। अब फिर से हमने चार चेन ले ली, अब चार चेन को लेकर फिर से हम चेन को डबल करेंगे, इसमें डाल के एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से हम चार चेन लेंगे, तो आप पांच चेन भी ले सकते हैं। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, तो पहले स्टार्टिंग वाली चेन में बनाएंगे, स्टार्ट वाली चेन में बनाएंगे, चार बार ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। चार बार बना ली। अब फिर से हमें बनाना है, अब इसके लास्ट वाली चेन में बनाएंगे चार बार ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, तो दो दो करके जो फंदे निकाल जाते हैं उसको बोलते हैं, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपकी समझ आ जाएगा। देखिए हमने बना दिया इतना, अब क्या करेंगे हम, देखिए इतना हो गया। अब फिर से हम इसमें चेन बनाएंगे, जैसे अभी हमने बनाई थी वैसे ही चेन बनाएंगे, इसके अंदर चार चेन लेंगे। डाल के सिंगल क्रोशे बना लिया। फिर से हम चार चेन लेंगे, चार चेन लेने के बाद अब इस वाली डिज़ाइन के अंदर फिर से हम चार बार ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। चार बार बना लिया। अब फिर से हम देखिए लास्ट की चार चेन छोड़ के, तीन चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में फिर से चार बार बनाएंगे। फिर से इसके अंदर चार बार ट्रिपल क्रोशे बना ली है। देखिए इस तरीके से आपको बनाना है, सिंपल है। अब देखिए फिर से हम एक दो तीन चार, चार चेन लेके इसको घुमाएंगे और देखिए इसके अंदर हमें चार बार ट्रिपल क्रोशे बनाना है, पहली वाली चेन के अंदर बनाना है। इसके अंदर हमने चार ट्रिपल क्रोशे बना लिया। अब इसके पास वाली चेन में इसमें डाल के चार बार ट्रिपल क्रोशे बनाना है। इस तरीके से बनाना है, इसके अंदर चार बार बनाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से चार बार हमने बना लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए फिर से चार चेन लेकर इस वाली चेन को हम डबल करेंगे, चार चेन ले ली, इसमें डाल के एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर चार चेन लेंगे। देखिए फिर से चार चेन ली, अब इस वाली डिज़ाइन में डाल के हम चार बार ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, एक देखिए इस तरीके से चार बार बना लिया। अब फिर से हमें डिज़ाइन बनानी है, अब देखिए इसके अंदर बनाएंगे, इधर साइड में डाल के हम चार बार डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरीके से बन गया। फिर से हम चार चेन लेंगे और इस चेन को डबल करेंगे सिंगल क्रोशिया से, इसमें डाल के
ये हो गया। फिर से हम चार चेन लेंगे और इसमें तीन चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में डाल के फिर से इस चेन को डबल करेंगे। देखिए तरीके से। अब फिर से एक दो तीन चार, चार चेन पांच चेन लेकर इसको घुमाएंगे, फिर से इसी जगह डाल के एक डिज़ाइन बनाएंगे हम। तो एक डिज़ाइन में हमें चार बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक बार बना लिया, अब फिर से इसके अंदर डाल के चार बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए बन गया। देखिए अब हम आपको इसमें समझा दें, अब देखिए क्या करना है, हमने बना लिया, अब इसके अंदर हमें चेन को ज्वाइंट करना है चार चेन लेके। फिर चार चेन लेने के बाद फिर इसके अंदर और इसके अंदर हमें डिज़ाइन बनानी है। इन दोनों के अंदर फिर से हम चार चेन लेके इसके अंदर ज्वाइंट करेंगे, फिर चार चेन लेके यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो इसी तरीके से बनाना है। तो कुछ रो हम बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारा है। देखिए डिज़ाइन, देखिए चेन को हमें डबल करना है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे समझ आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो उसको बहुत सारे लाइक दें। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, घंटी जरूर प्रेस करें। बाय।